साथियों नमस्कार। अभी आगामी रेलवे कोऑपरेटिव बैंक का डेलीगेट प्रत्याशी का चुनाव होना है। कुछ गाइडलाइन है जिसमें चेंज हुए हैं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं। जो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक का जो पोलिंग होना था उसमें संशोधन हुआ है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का पोलिंग होगा। जितने भी हमारे जोन के डेलीगेट प्रत्याशी हैं NCERTA के, उन सभी से मेरा एक सुझाव है, एक जानकारी देना चाहता हूं कि आप जितने भी पोलिंग एजेंट अपने ओर से देंगे वो कम से कम एक पोलिंग बूथ पे दो देंगे। अगर आपके सेक्शन में दो जगह पोलिंग हो रहा है तो चार आपका पोलिंग एजेंट होगा। साथियों मैंने अभी बिलासपुर जोन में जहाँ हो मेरी क्षमता थी मैंने प्रयास किया अपने लोगों के बीच जाने का। तो साथियों एक किस्सा मैं बहुत ही संवेदनशील किस्सा, बहुत ही मतलब हृदय को झकझोड़ देने वाला किस्सा जो बताना चाहता हूँ। हिमगिर और रायगढ़ के बीच में जाम गांव सेक्शन का है। मैंने वहाँ गया, अपनी संगठन की उपलब्धि बताई कि भाई संगठन ने बहुत कुछ किया है, मान सम्मान दिलाया। एक नया लड़का है मासूम सा, उसने बोला कि भैया हम लोग आज भी शोषित उपेक्षित। मैं बोला हाँ भाई कुछ तो है कमी नहीं, अभी भी पूरी तरीके से शोषित उपेक्षित हैं। तो मैंने उनको बोला कि दिक्कत क्या है तो बताएं कि मैं कल मतलब एक रोज़ पहले जब मैं पहुंचा उसके एक रोज़ पहले वो उनके जो इंचार्ज ने उनको पैनल में भेजा था पोजीशन बताने के लिए, कहीं काम चल रहा था। तो और वो बंदा पहली बार गया था और एकदम नया मासूम सा लड़का है, तो वो जब पैनल में काफ़ी समय घंटों रुका था और थक गया था और उसको जानकारी भी नहीं थी ज़्यादा, तो पैनल में जो स्टेशन मास्टर का जो चेयर था कुर्सी उसमें वो बैठ गया। स्टेशन मास्टर ने उसको इतना अपमानित किया कि तू कैसे इसमें बैठ गया, तेरी औकात है। तो साथियों मैं निवेदन करता हूँ आपसे, ये बहुत ही मतलब दुखद और बहुत ही अपमानित करने वाला विषय है। उसने मेरा और आप ट्रीटमेंट साथियों का अपमान किया है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि ये बहुत अच्छा अवसर है, आप अपने संगठन और अपनी शक्ति का परिचय दें। मैंने उस लड़के के साथ उस पैनल में जाने का काम किया क्योंकि उसकी ड्यूटी उस समय भी थी। दूसरे दिन मैंने उनको स्टेशन मास्टर से कहा कि सर आप मेरे को ये बताइए क्या आज हम रेल के, आज भी रेल का हमको सदस्य नहीं मानते, हमको रेल का हिस्सा नहीं मानते। एक नया लड़का है मासूम सा जिसको जानकारी नहीं है, मशीन नहीं है, थक गया बेचारा बैठ गया गलती से, तो उसको ये बोलना था कि ये आपका सीट नहीं है, आपको यहाँ नहीं बैठना है। लेकिन आपने उसको बोला कि तू कैसे बैठ गया, तेरी औकात है बैठने की। उसके बाद उसने अपना बचाव में जब उनकी हालत ख़राब हुई, जब मैंने उनको सवाल जवाब किया या जो भी मैंने उनके साथ बात हुई, हालत ख़राब हो गया तो उन्होंने बोला कि पैनल है संवेदनशील है। तो मैंने बोला भाई पैनल है ठीक है, संवेदनशील है, कोई बटन छू देगा। मैं बोला आपसे चार गुना ज़्यादा मेरा ट्रैकमैन साथी पढ़ा लिखा है, आज नौकरी नहीं मिलने की वजह से ना आदमी ग्रुप डी ज्वाइन कर रहा है, इसका मतलब उसकी योग्यता पे आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। वो कोई बटन को नहीं छू देगा, पागल नहीं है, उसको मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना, कोई गाड़ी नहीं बिड़ा देगा। साथियों इस चीज़ का हमको ना ही वो पैनल में बम फोड़ने गया था। साथियों हमारा समाज, हमारा ट्रैकमैन हमेशा अपमानित होता रहा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ अगर जो कहीं भी हमारे एसोसिएशन की ओर से जो भी साथी उतरे हैं चुनावी मैदान में, अगर हो सकता है आपको उससे कोई तकलीफ है या आपका दुश्मन है तो भी मैं निवेदन करता हूँ आप उसको वोट नहीं कर रहे हो, आप NCERTA को वोट कर रहे हो, बटो मत, संगठित हो। अगर आप बटोगे तो आपके साथ इसी प्रकार का दुर्व्यवहार होगा। साथ ही साथ मैं एक और निवेदन करूँगा, मैंने जितने जगह गया उसके अलावा मैंने जहाँ भी जाने का प्रयास किया तो बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को देखने मिली। और एक निवेदन मेरा यह है हाथ जोड़कर कि मैं जहाँ जहाँ नहीं पहुँच पाया, जैसे कि खास मैं उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ बिरसिंहपुर पाली और उमरिया सेक्शन के, क्योंकि वो लोग मेरा वेट कर रहे थे। और उसी दिन हम शहडोल से जब निकले थे तो मुदरिया के पास हमको सूचना मिली कि हमारा एक ट्रैकमैन साथी बंधवा 12 स्टेशन में चाबीदारी का कीमैन का काम करते हुए शहीद हो गया। नाम था स्वर्गीय मोहन सिंह यादव जी। हम लोगों ने सारी चीज़ छोड़कर तुरंत हर चीज़ को छोड़कर आए वहाँ, वहाँ जो भी हुआ हम लोगों ने अपने हाथ से किया और रात में उनका पोस्टमार्टम, उनकी पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम करा के उनका घर राजस्थान था वहाँ सरकारी सहयोग से हम लोगों ने भेजवाने का काम किया। साथियों हम लोगों ने उनको राष्ट्रीय सम्मान, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के साथ तिरंगा सम्मान के साथ भेजने का काम किया। तो ये काम, ये सम्मान आपका संगठन दे सकता है, ना कि कोई दूसरा और कोई। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि टुकड़ों में ना बटो, किसी प्रकार का प्रलोभन में ना जाओ, नहीं तो आने वाले समय में भी ट्रैकमैन का
कोई मान सम्मान इज्जत नहीं रहेगा। ट्रैकमैन की लड़ाई है, ट्रैकमैन के सम्मान की लड़ाई है, ट्रैकमैन की इज्जत की लड़ाई है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मैं बहुत ही मतलब भावुक होकर निवेदन करता हूँ कि जो घटनाएं अभी हो रही है ट्रैकमैनों के साथ, मैं भावुक होकर निवेदन करता हूँ कि आप अपने इंजीनियरिंग विभाग के रेल पथ के जितने भी ट्रैकमैन साथी हमारे जो ACCRTA से खड़े हैं, अपना बहुमूल्य वोट देते हुए उनको आशीर्वाद प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, जय।